हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ बिना प्याज लहसुन के पनीर की सब्ज़ी। कई बार ऐसा होता है ना, हम लोग प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, तो उस टाइम पनीर की सब्ज़ी कैसे बनाएं बिना प्याज लहसुन के। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम पनीर ले ली है। पनीर को हम टुकड़ों में काट लेंगे, पीसेज आप अपने मनपसंद के बना सकते हैं। देखिए, पनीर के टुकड़े मैंने इस तरीके से काट लिए हैं। तो अभी क्या करेंगे, एक बाउल ले लेंगे, उसमें डालेंगे 2 बड़ा चम्मच दही। ये फ्रेश दही है, एकदम खट्टी दही मत लीजिएगा। तो उसमें मैंने डाला है 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। 1/2 चम्मच लिया है मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच ले लिया यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। 1 चम्मच मैं यहाँ पे डाल रही हूँ कसूरी मेथी और नमक डाल देंगे इसमें 1/2 चम्मच और इसे अभी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें पनीर को इसमें मैरिनेट करने के लिए रखना है। तो पनीर डाल देंगे इसमें, पनीर के टुकड़ों में अच्छे से मसाले की कोटिंग कर देंगे। ये देखिए, मसाला अच्छे से लग गया है पनीर में। तो इसमें ढक्कन लगा देंगे और इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम मसाला बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक टमाटर ले लिया है और एक शिमला मिर्च, ये मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च है, ज़रूर डालिएगा शिमला मिर्च, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ पर मैंने 2 टुकड़े अदरक के ले लिए हैं, 4 से 5 मैंने हरी मिर्ची ले ली है, मिर्ची तीखा अपने हिसाब से रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने 8 से 10 काजू को 15 मिनट पहले पानी में भिगा दिया था, तो काजू भी इसमें डाल देंगे। काजू डालने से ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। और ये देखिए, इसका मैंने एक फाइन पेस्ट बना लिया है। यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच तेल गरम होने के लिए रखा था, उसमें डाल दिया है 1/2 चम्मच जीरा। और यहाँ पर मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, लौंग, बड़ी इलायची और दालचीनी, 4 से 5 काली मिर्च के दाने और 1 तेज़पत्ता। तो मसालों को हम तेल में डाल देंगे और कुछ सेकंड के लिए हम इन्हें इसमें भून लेंगे ताकि इसका फ्लेवर अच्छे से आ सके। तो अभी डाल देंगे हम यहाँ पे जो टमाटर का हमने पेस्ट बना के रखा हुआ था। तो अगर आप चाहो तो हल्दी पहले भी डाल सकते हैं डायरेक्ट तेल में। तो मैंने पहले मसाला डाल दिया, तो उसमें डाला 1/4 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच मैंने किचन किंग लिया है यहाँ पे और 1/2 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच डाल दिया मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये कलर के लिए है। तो मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा सा मैंने 2 चम्मच के बराबर इसमें पानी डाला है, जो जार में मसाले लगे हुए थे, अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। इसमें ढक्कन लगा देंगे। अभी मैं 5 से 6 मिनट तक इसको हल्की आँच में पकाऊँगी। ये देखिए, 5 से 6 मिनट हो गया है। तो मसाला मैंने एक बार बीच में भी चेक किया था ताकि नीचे से जले ना। आप देख सकते हैं तेल अच्छे से रिलीज हो गया है। ये देखिए कितने अच्छे से मसाला यहाँ पे भुन गया है। तो यहाँ पे मैं अभी मलाई डाल रही हूँ, ये फ्रेश घर की मलाई है। तो 2 चम्मच मैंने इसमें मलाई डाल दी है। मलाई डालने से एकदम रिच कलर आएगा ग्रेवी में। ऊपर से मैंने थोड़ा सा कसूरी मेथी यहाँ पे डाल दिया है। मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे से। अभी इसे भी मैं 2 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर पकाऊंगी। ये देखिए, 2 मिनट हो गया है। अभी मसाला अभी देख सकते हैं आप, कितनी अच्छी ग्रेवी बनी हुई है, एकदम मार्केट जैसी सब्जी बनके तैयार होगी। जिस तरह से हम होटल से लेके आते हैं ना, सेम उसी तरह का इसमें स्वाद होगा। और ग्रेवी देखिए आप, कितनी अच्छी बनी है, इसका टेक्सचर देखिए। तो अभी जो पनीर को हमने मैरिनेट करने के लिए रखा था ना, वो इसमें डाल देंगे। साथ ही मैंने यहाँ पे पानी ले लिया है उसी बाउल में, जितने मसाले उसमें लगे थे वो भी मैंने इसी में डाल दिया है। तो सब्जी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।
ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पे स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल दिया है और थोड़ा सा पनीर मैंने पहले बचा लिया था तो उसे कद्दूकस कर लिया है, इसे भी इसी में डाल देंगे। कद्दूकस करने से क्या होता है ना, पनीर डालने पर जो ग्रेवी है ना एकदम लच्छेदार बनती है। जैसे हम लोग होटल से सब्जी लाते हैं ना, वो लोग कद्दूकस करके डाले रखते हैं तो ग्रेवी एकदम गाढ़ी गाढ़ी सी कितनी अच्छी लगती है ना, तो सेम उसी तरह की सब्जी यहाँ पे भी तैयार होगी। तो इसमें ढक्कन लगा देंगे और इसे 4 से 5 मिनट तक हम फिर से पकने देंगे ताकि पनीर भी इसमें अच्छे से पक जाए। ये देखिए ग्रेवी भी यहाँ पे गाढ़ी हो गई है और आप तेल देख सकते हैं पूरा रिलीज हो गया है। लग रही ना एकदम मार्केट जैसी सब्जी, तो बहुत अच्छी टेस्टी सब्जी बनती है बिना प्याज लहसुन के भी। तो अभी इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। ये देखिए सब्जी सर्व करने के लिए तैयार है। वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।